गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे मिर्ची के वड़े। मिर्ची के वड़े बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनेंगे, तो चलिए हम बनाते हैं। किस तरह से बनाने हैं मिर्ची के वड़े? सबसे पहले हमें बेसन लेना है एक बाउल में। एक चम्मच अजवाइन लिया है, इसको अच्छी तरह से मसलना है ताकि खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी डालना है। ज़्यादा एक साथ नहीं डालना, नहीं तो घाटे पड़ जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये हमारी कंसिस्टेंसी है। अभी हम आलू बॉईल किए, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन। आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ती। इसको हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसका हम तड़का लगाएंगे। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसको गरम करेंगे। जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तब इसमें डालेंगे एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा और एक बारीक कटिंग किया हुआ प्याज, दो हरी मिर्ची। इसको अच्छे से भुनना है, हल्का सा ब्राउन हो जाए तब हम इसमें मसाला डालेंगे। ये सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, हमने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है, आधा नींबू, ये वाली मिर्ची ली हमने वड़े बनाने के लिए। इसको कटिंग करके इसका बीज निकाल देते हैं। हम इसके सारे बीज निकाल दिए हैं। अब जो मसाला है ठंडा हो गया हमारा, इसमें भरेंगे। पूरे कोने में अच्छी तरह से इसमें भरना है। थोड़ा सा प्रेस करते हुए करना है, हल्के हाथों से, नहीं नहीं तो हमारा मसाला बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हमने मिर्ची के दो टुकड़े कर लिए हैं क्योंकि साइज बहुत बड़ी थी, कढ़ाई में नहीं आएगी। थोड़ा सा चुटकी भर इसमें डालना है मीठा सोडा ताकि हमारे वड़े बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हों। हमको इसमें डिप करना है और हमारा तेल एक साइड में गरम हो गया है। तेल गरम होते ही हम इसमें डालेंगे और इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे। इस तरह से तीन या चार वड़े इसमें डालेंगे हम और इसको मीडियम आंच पे पकाना है ताकि वो हल्के से क्रंची भी हो जाए और ब्राउन भी हो जाए। को थोड़ा सा घुमाना है, दूसरी साइड से भी हमारे बड़े हल्के से सिक जाए। इस तरह से देखिए हमने इनको घुमाया है, हमारे बड़े बनके रेडी हुए। हम इसको बाहर निकाल देते हैं। अब इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम ग्रीन चटनी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारे मिर्ची वड़े तैयार हो गए हैं। हम इसको ग्रीन चटनी